बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं कराची से हजरत जी आपका मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सेहत में बरकत नसीब फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए और आपके इल्म से हमें भरपूर फायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुभामीन। हजरत जी, मेरा एक सवाल था और दो छोटे ख्वाब थे। एक सवाल तो ये था, क्या हम मोहब्बत में या इज्जत और इकराम में अपने शेख के पाँव छू सकते हैं या उनकी मिट्टी को हम अमर लगा सकते हैं अपने ऊपर? और ख्वाब मेरा ये था, एक दफा मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं बहुत सारे खूबसूरत सुर्ख रंग के ऊंट हैं, उनकी कुर्बानी हो रही है। और एक दफा मैंने ख्वाब देखा था कि मैं ना मस्जिद से वॉक करता हुआ आ रहा हूँ तो ना बहुत हरियाली है और बारिश भी हल्की की हो रही है और उस बारिश में मेरे वालिद साहब मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे को साथ मस्जिद लेके जा रहे हैं। प्लीज इनकी ताबीर अनायत फरमा लीजिएगा, दुआओं की। माशाल्लाह माशा अब्दुल समद कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक में कबूल फरमाए। और बाकी आपने जो सवाल किया है कि मोहब्बत में और बरकत के उसूल के लिए, इज्जत के लिए अपने पीर व मुर्शिद के पैर छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, छूना चाहिए, क्योंकि पीर व मुर्शिद की कदमों की खाक से तो सब मिलेगा। उनके पैर दबाएँ, उनकी खिदमत करें, उनके पैर छूएँ बिल्कुल, और उनके जो कदमों की मिट्टी को अपने लिए जो है वो कहते हैं कि ताजों के हीरों से ज़्यादा कीमती समझें। इंशाल्लाह इसी से फैजान जारी सारी होते हैं, तो उसूल बरकत के लिए ऐसा करना इसमें कोई मजाका नहीं है। बाकी ख्वाब आपने ऊँटों वाला ख्वाब देखा, बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि आप भी कुर्बानी करें और कुर्बानी करने का इंशाल्लाह आपको नफ़ा पहुँचेगा और आपको माली खुशहाली नसीब होगी। इसी तरीके दूसरा ख्वाब भी बहुत मुबारक है, उसमें भी आपके लिए इंशाल्लाह आफियत की अलामत है और नेकियाँ अल्लाह तबारक व ताला के आपकी कबूल होंगी। और बाकी अपने रोज़गार के लिए जो है आप जो है चलते फिरते उठते बैठते या वहाबू का विद रखें, इसमें आपका रोज़गार भी बेहतर होगा और आपकी बाकी जो मसाइल जो वो भी हल होते रहेंगे। या वहाबू जब भी याद है इसका विद रखें, इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा।